Hi everyone, welcome you all. Let's solve this problem. Here Zener diode, you listen the Zener diode. What is Zener diode? It's act as a voltage regulator. So in the problem it is given that a 24 volt and 600 milliwatt Zener diode is connected in voltage regulator as shown in diagram. सो डायग्राम आपको दिया हुआ है, एक तरीके से आपको सॉल्व करना है. दिस इज द डायग्राम, दिस इज द अनरेगुलेटेड वोल्टेज, दिस इज आवर हैवी रेजिस्टेंस और यहाँ आपका जीना डायोड कनेक्टेड. ओके, और ये आपका क्या है, ये जीना डायोड क्या है, ये आपको पैरेलल में कनेक्ट रहता है. एंड यू नो जीना डायोड एंड यू यूज वेरी वेल. दिस इज लोड रेजिस्टेंस, जिस लोड को आपको कंट्रोल करना है. दिस इज हैवी रेजिस्टेंस आर एस, ये क्या है आपका रेगुलेटेड वोल्टेज. इस वोल्टेज को आपको रेगुलेट करना है विद द हेल्प ऑफ जीनर डायोड. इसे बोलते हैं रेगुलेटेड वोल्टेज, वोल्टेज अक्रॉस द लोड रेजिस्टेंस, दैट इज नोन एज रेगुलेटेड वोल्टेज. What is RS? RS is the heavy resistance. Heavy resistance that is connected in series with Zener diode. This is Zener diode. And this is the unregulated voltage, that is V naught. This is what? This is unregulated. अनरेगुलेटेड वोल्टेज, जिसे आप बोलते हैं वोल्टेज ज्यादा आ गया कम आ गया, अनरेगुलेटेड वोल्टेज. एंड एक्सप्लेन टू द प्रॉब्लम, इन द प्रॉब्लम इट इज गिवन दैट जीनर डायोड इज हैविंग द वोल्टेज 24 वोल्ट. सो दिस जीनर डायोड विच यू आर सीइंग हियर, दिस इज हैविंग, दिस इज अ जीनर डायोड. This is having the voltage 24 volt and its power is 600 milliwatt. You have to find the value of heavy resistor. Is RS ka value kya hoga aur aapko unregulated voltage diya hua hai 32 volt. So first of all I would like to tell you the current in the regulated voltage, it is not given in the problem. So you will consider there is no current. There is no current through the regulated voltage, IR is equal to zero. Power given है और voltage given है, ये concept है आप remember. Because Zener diode का main, the main function of Zener diode is to make the voltage across this load resistance to be regulated. जैसे आपने stabilizer सुना होगा, फ्रिज वगैरह पे पहले आप यूज करते थे या फिर टीवी वगैरह में क्या आप यूज करते थे कि इतना वोल्टेज ही आना चाहिए. कभी कभी क्या होता था, आपके घरों में देखा होगा हाई वोल्टेज आ गया, टीवी अप्लायंस हो गए, तो उस चीज को हमने रिमूव करने के लिए क्या किसका यूज करा, स्टेबलाइजर का. स्टेबलाइजर में क्या होता है, जीनर डायोड होता है. क्लियर? सो हियर वी कनेक्टेड जीनर डायोड इन पैरेलल विद द रेगुलेटेड वोल्टेज. दिस रेगुलेटेड वोल्टेज we have to calculate it with the help of Zener diode. Since current in the Zener diode, sorry, in the regulated voltage is not given, so we will consider there is no current. IR is equal to zero. Clear? So power is equal to क्या होता है? Zener diode में current क्या होगा? कितना होगा बताइए? जो current होगा Zener diode में, that is I. This is I. How much? पावर गिवन है 600 मिलीवॉट, आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में, विच इज इक्वल टू पावर इज इक्वल टू वोल्टेज इनटू करंट. आई कितना होगा, 600 मिलीवॉट, मिलीवॉट को वॉट में करिए, अपॉन वोल्टेज. वोल्टेज दिया हुआ 24 वोल्ट. आई का वैल्यू कितना होगा यहां से, इफ यू कैलकुलेटेड That is 25 multiply 10 की पावर माइनस 3 एम्पियर.
तो यहां से करंट मिल गया आपको, करंट पूछा था आपसे, नो ना, क्या पूछा था आपसे, व्हाट इज द वोल्टेज अक्रॉस, वोल्टेज अक्रॉस आपको पता है, करंट पता चल गया, ये करंट कहां फ्लो करेगा, दिस करंट विल नॉट फ्लो थ्रू दिस रेगुलेटेड वोल्टेज, दिस विल मूव हेयर, सीधे जाएगा इस हैवी रेजिस्टर से भी, क्या करेगा ये करंट पास करेगा, एज वी नो डेट 24 वोल्टेज 32 वोल्टेज जो आपका अनरेगुलेटेड वोल्टेज है, इसका 24 वोल्टेज कहाँ ड्रॉप हो गया आपका अक्रॉस जीनर डायोड, सो हाउ मच रिमेनिंग, 8 वोल्टेज रिमेनिंग दैट विल बी लॉस, वोल्टेज लॉस अक्रॉस दिस हैवी रेजिस्टेंस। सो हैवी रेजिस्टेंस का फंक्शन यही होता है कि जो हैवी वोल्टेज है, जो आपको अनरेगुलेटेड वोल्टेज है, उसमें से क्या करना है आपको, क्या काम करना है, जीनर डायोड ने क्या करा, बेसिकली अपने अंदर से आई करंट को फ्लो करा दिया, ये करंट कहां पास करा आपको, हैवी रेजिस्टेंस से पास करा, इसकी वजह से क्या हुआ, 8 वोल्टेज जो आपको 32 वोल्ट जो आ रहा था आपके सर्किट में, वो पहले ही 8 वोल्टेज 8 वोल्टेज को ड्रॉप कर देगा और अपने अंदर से कितना पास होने देगा, सिर्फ और सिर्फ 24 वोल्ट, क्लियर। तो 24 वोल्ट अगर जीनर डायोड अपने अक्रॉस रखेगा रेगुलेटेड वोल्टेज भी क्या रहेगा, 24 वोल्ट ही रहेगा, क्लियर। तो हमें इससे ज्यादा होने नहीं देना, अगर मान लीजिए आपने 32 से कर दिया और बढ़ाते गए आप वोल्टेज 40 वोल्ट कर दिया, तो ये करंट भी क्या हो जाएगा, इट्स वैल्यू क्या हो जाएगी, ये आरएस का वैल्यू और ज्यादा बढ़ेगा, करंट तो उतना ही देगा जीरो डायोड, आई का वैल्यू जो आपने निकाला है, लेकिन आरएस का वैल्यू क्या हो जाएगा, इट विल चेंज। सो हेयर एट इज आरएस इज इक्वल टू हाउ मच एज पर द प्रॉब्लम, 8 वोल्ट डिवाइड बाई करंट, करंट कितना है आपको 25 मल्टीप्लाई 10 की पावर -3 एम्पियर, सो द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस इज हाउ मच, इट कम्स आउट टू बी हाउ मच 320 ओम, सो यू कैन सी हाउ हैवी द रेजिस्टेंस इज, 320 ओम यू आर गेटिंग द आंसर, इट मीन्स इन ऑर्डर टू मेक द वोल्टेज टू बी रेगुलेटेड you have to attach how much heavy resistance, 320 ohm resistance आपको requirement है, तभी आपका current क्या रहेगा, stable, sorry voltage will be stable रहेगा, regulated voltage रहेगा। so once again thank you so much, if you have any doubt you can ask me in the comment section or you can subscribe us and share this video if you like, thank you so much, thanks a lot।